मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं यीशु के नाम से। अगर आप आत्मा पाए हुए हो, बोलो क्या हूं? आत्मा पाए हुए हो, 15 से 20 दिनों में आपके जीवन में रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ लंबा टाइम नहीं है ये, परमेश्वर इससे भी हो सकता है, इससे भी पहले करे, पर मैंने एक टाइम दिया 15 से 20 दिन। जाओ, जो काम नहीं ना हुए इसलिए ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें तेरे लिए क्या है कठिन है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो तुझे समझ नहीं आती मैं तुझे बताऊंगा, जो करके देखो। प्रैक्टिकल किया नहीं कभी, बैठे नहीं, रिलेशन बनाया नहीं, संबंध बनाया नहीं, और हम कहते बस ऐसे ही हो जाए हवा में, कैसे होगा? संसार में नहीं है ना, बिना पैसे से आप कुछ नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते? बिना पैसे से आप कुछ नहीं। अब प्रभु में आए हो, पैरालाइज हो, कुछ और प्रॉब्लम है, मगर कर कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सब काम कर दिया। उसने कहा अब तेरी बारी, तो हम कर ही नहीं रहे। मैं सच्ची कहता हूं जाओ करके देखो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, पर मैं आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। क्या था? मैं आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। क्या था? मैं आत्मा पाया, और मैं जानता था कि अगर मैं आत्मा में परमेश्वर से बातें करूंगा तो ये जो आत्मा खुदा ने मुझे दिया गया, जो आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिया, वो मेरी कमजोरी में क्या करता है? सहायता कर, तो वो क्या करेगा? मेरे लिए करेगा। और मैं जैसा ही चीज मैंने की वैसा ही, क्योंकि डॉक्टर उसे कहते थे इसके चांस नहीं, इसके बचने के चांस नहीं है। लिखा मनुष्यों से नहीं पर किससे सब कुछ हो सकता है, पर कैसे हो सकता है ये हमने अनुभव करना है, हमने पता लगाना भाई। ऐसे बैठे रहो भाई, अनुभव से मालूम करो परमेश्वर की इच्छा को, वो क्या चाहता है। बोलो क्या? अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ वो क्या चाहता है, चेक करो, देखो। करते नहीं, हेलो कहते हैं, फिर कहते हैं मेरा ये नुकसान हो गया, नहीं हो गया, प्रार्थना वो नहीं दिल करता, कैसे होगा? देखो परमेश्वर नियम का है। अब अपने मसीह में आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि परमेश्वर नियम का। लोग मसीह में क्यों मरते हैं? हबकूक नबी क्यों कंप्लेंट कर रहा था कि परमेश्वर दुष्ट तेरे लोगों को मार रहा है, तू देखता नहीं? वो कहता नहीं, मैं तो तैयार हूं, पर लोग तैयार नहीं है। वो कहते हमारा मन नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता, हमसे होती नहीं, और ना ही उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन ना हल पूछते हैं, क्या करें? हमारे पास आत्मा नहीं है, हा? हमें बताओ, क्योंकि चाहत नहीं, ते चाहत नहीं। बोलो के उनके अंदर चाहत नहीं, बस वो बस कहते बस काम हो जाए, बस क्या हो जाए, बस काम हो जाए हमारा। वो कहता मुझसे प्रार्थना कर, क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर। इसलिए प्रार्थना का एक विषय जो बहुत बड़ा है। बोलो क्या है? उसने देखा कर, अगर आप करोगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो कैसे होगा? आपको पता दानियल के सामने एक बहुत बड़ा हालात आ गया जब नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा। क्या देखा? दर्शन देखा, तो उसने सब पूरे देश के ज्योतिष जो भी तांत्रिक हैं सबको बुलाया कि मेरा स्वप्न का दर्शन बताओ। तो वो आकर कहने लगे राजा पहले हमें वो बता जो तूने देखा, तब हम तुम्हें बता। वो कहते हैं ऐसे मैं बताऊंगा, तुम झूठ मूठ बनाकर कुछ भी बता दोगे, मैं नहीं, जो मैंने स्वप्न देखा फल समेत मुझे बताओ कि मैंने क्या देखा। वो कहते हैं राजा दुनिया भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं और देवताओं को छोड़ कोई नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकता? और राजा को गुस्सा आया, वो कहता सारे बेबीलोन के पंडितों का इनका नाश कर दो,
और जब ये बात दानियल तक पहुंची तो उसने, उसका नाम अर्जोक, ऐसे एक प्रधान था राजा का, उसने कहा ये राजा ने क्यों तावली में इतनी जल्दी ये बात कही। उसने कहा, उसे बात की कि थोड़ा समा दो, मैं राजा के उस स्वप्न का उत्तर दूंगा। तो दानियल ने अपने मित्रों को साथ लिया जिसमें एक उत्तम आत्मा रहती थी। दानियल में क्या रहती थी? उत्तम आत्मा, वही आत्मा जो हमारी कमजोरी में क्या करता है? सहायता करता।